हम मेक कोड फॉर माइक्रोबेट सिमुलेशन वेबसाइट है उसको यूज़ करते हुए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को हैंड्स ऑन तरीके से सीख रहे हैं पिछले वीडियो में हमने इवेंट्स और इवेंट हैंडलर्स के बारे में समझा इस वीडियो में हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के एक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वेरिएबल्स इनको समझते हैं स्पेशली माइक्रोबेट और मेक कोड के कॉन्टेक्स्ट में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वेरिएबल एक स्टोरेज लोकेशन है जहाँ पर हम हमारे प्रोग्राम में जो भी इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है फॉर एग्जाम्पल स्कोर तो एक गेम अगर आप बनाओ तो उसमें जो स्कोर है वो बदलता रहेगा थ्रू आउट द गेम तो हम इस किस्म की जो चेंजिंग इन्फॉर्मेशन है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो टिपिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में न्यूमेरिक uh, वेरिएबल्स हो सकते हैं या अल्फ्रा न्यूमेरिक वेरिएबल्स हो सकते हैं तो न्यूमेरिक वेरिएबल्स में हम केवल नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल्स में हम अल्फाबेट्स और न्यूमरल्स दोनों को स्टोर कर सकते हैं पर फिर उसमें कोई हम मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते माइक्रोबेट और मेक कोड के कॉन्टेक्स में हमारे पास पाँच किस्म के वेरिएबल्स हैं यूजल जो न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं वो तो हैं ही स्ट्रिंग्स या अल्फ़ा न्यूमेरिक वेरिएबल्स जो रेगुलर प्रोग्रामिंग में होते हैं वो भी हैं बुलियन ऑपरेटर्स जिनकी वैल्यू केवल ट्रू या फॉल्स हो सकती है वो वेरिएबल्स भी हैं और फिर हमारे पास एक स्पेशल वेरिएबल है स्प्राइट नाम का जो माइक्रोबिट में जो 25 एल लगी हुई हैं उनको हम जला बुझा सकते हैं बाय देयर एक्स एंड वाई लोकेशन एंड फाइनली जो फिफ्थ टाइप का वेरिएबल है माइक्रोबेट uh, में वो है एरे और एरे बेसिकली मल्टीपल वेरिएबल्स की एक लिस्ट है तो हम इन पांच वेरिएबल्स को एक एक करके समझते हैं मेक कोड फॉर माइक्रोबिट में हमारे पास कुछ जो न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड आते हैं वो हैं फॉर एग्जाम्पल लाइट लेवल टेम्परेचर एक्सेलरेशन और साउंड लेवल तो मैं मेक कोड डॉट डॉट ऑर्ग वेबसाइट पर हूँ मैंने यहाँ नया प्रोजेक्ट शुरू किया है तो यहाँ पर ये जो बने बनाए वेरिएबल्स हैं वो हमें इनपुट के अंदर मिलते हैं इनपुट के मैं अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास ये एक्सेलरेशन का वेरिएबल है उसके बाद ये लाइट लेवल है उसके बाद ये कॉम्पास हेडिंग है फिर ये टेम्परेचर है लाइट लेवल है और माइक्रोबिट वर्जन टू में हमारे पास साउंड लेवल है तो ये कैसे काम करते हैं कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जानना चाहता हूँ कि रूम टेम्परेचर क्या है जहाँ माइक्रोबिट लगाया हुआ है तो मैं ये ऑन स्टार्ट को डिलीट करके मैं बेसिक में जाके ये कमांड लाता हूँ शो नंबर और शो नंबर में मैं ये टेम्परेचर का जो प्रीमेड वेरिएबल है इसको डालता हूँ तो जब मैं सिमुलेटर चलाता हूँ तो ये मुझे ऑफ़कोर्स ये केवल सिमुलेटर है ये दिखा रहा है कि इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस है और आप इसको वेरी करके देख सकते हो कि जो भी रूम टेम्परेचर होगा माइक्रोबिट उसको बता देगा फिर एक और वेरिएबल है एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन जो है वो आप अपने माइक्रोबिट को एक्स एक्सिस में हिला रहे हो वाई में या या जेड में उसको नापता है तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि शो मी दी एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस और उसके बाद मैं अपना सिमुलेटर चलाता हूँ तो जब मैं वाई एक्सिस में अपने माइक्रोबिट को टिल्ट कर रहा हूँ तो मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो माइनस से लेके प्लस वन जीरो टू थ्री तक जाती हैं और इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि मुझे एक्स एक्सेस पर एक्सेलेशन नापनी है तो जब मैं एक्स एक्सेस पर अपना माइक्रोबिट टिल्ट करता हूँ तो माइक्रोबिट में लगा एक्सलोरोटर सेंसर सेंस कर लेता है और हमें दिखा देता है कि जो टिल्ट की वैल्यू है वो अगेन वो माइनस वन ज़ीरो टू थ्री से लेके कर प्लस वन जीरो टू थ्री तक वेरी करती है इसी तरीके से कॉम्पास हेडिंग जो प्री मेड वेरिएबल है वो माइक्रोबिट में लगे मैग्नेटोमीटर सेंसर पे बेस्ड है और माइक्रोबिट कितना किस कितनी डिग्री पे फ़ेस कर रहा है ये बताता है और जब वो ज़ीरो डिग्री पे माइक्रोबिट फेस करता है तो उसका मतलब है कि माइक्रोबिट उस वक्त नॉर्थ फेस कर रहा है एंड लाइकवाइज अगर वो टू सेवेंटी डिग्री पर है तो वो ईस्ट फेस कर रहा है सो so फोर्थ नीचे साउथ और लेफ्ट uh, में वेस्ट मैंने अपने और वीडियोज में समझाया है कि कैसे आप अपने माइक्रोबिट को एक प्रॉपर कॉम्पास की तरह यूज़ कर सकते हो इसी तरीके से लाइट लेवल जो माइक्रोबिट में लगी एल हैं जो कि लाइट सेंसर भी हैं उनमें कितनी लाइट शाइन कर रही है इसकी रीडिंग देता है साउंड लेवल माइक्रोबिट वर्जन टू में जो माइक्रोफोन लगा है उसमें साउंड लेवल क्या है उसकी रीडिंग बताता है तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं माइक्रोबिट में जो बने बनाए वेरिएबल्स हैं उनके पर माइक्रोबिट में हम अपने वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जो कि माइक्रोबिट को एक काउंटर की तरह बना देगा आपने देखा होगा कि जब किसी क्राउडेड प्लेस में कोई जानना चाहता है कि कितने लोग हैं तो वो एक क्लिकर यूज़ करते हैं और जैसे जैसे लोग एंटर कर रहे होते हैं वो क्लिकर को दबाते रहते हैं और काउंट जो है वो वन से बढ़ता रहता है एयरक्राफ्ट में भी कई बार इस तरीके से काउंटिंग होती है तो हम इस किस्म का क्लिकर काउंटर जो है माइक्रोबिट से बना सकते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखकर तो मैं मेक को डॉट माइक्रोबिट डॉट ऑर्ग में जाके एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ काउंटर और हम करना क्या चाहते हैं इस प्रोग्राम में कि जितनी बार हम कोई चीज़ देखें जिसको हम गिनना चाहते हैं मान लो आप वॉक पे जा रहे हो और आप गिनना चाहते हो कि कौन सी एक पर्टिकुलर ब्रांड की कितनी गाड़ियाँ आपको दिखी तो जितनी बार आप उस गाड़ी को देखोगे आप अपने माइक्रोबिट में ए बटन एक बार दबाओगे तो जो माइक्रोबिट का काउंट है वो एक से इंक्रीज हो जाएगा और फाइनली जब आप वॉक से वापस आओगे तो आप बटन बी दबाओगे तो वो टोटल काउंट uh, बता देगा और आपको पता चलेगा कि आपने गाड़ी के उस पर्टिकुलर मॉडल की कितनी गाड़ियाँ देखी तो ये प्रोग्राम लिखने के लिए हम वेरिएबल्स में जाके एक नया वेरिएबल बना रहे हैं उसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो मैं उसका नाम दे रहा हूँ काउंट और मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि ऑन स्टार्ट सेट दी वेरिएबल कॉल काउंट टू ज़ीरो क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हम रीसेट करें अपने माइक्रोबिट को वो जीरो से शुरू हो ताकि जितनी बार हम कुछ नई चीज़ काउंट करें उसका ठीक काउंट हमार को मिले फिर हम क्या चाहते हैं कि जब भी हम जो भी चीज़ काउंट कर रहे हैं वो हमें दिखे तो हम बटन ए दबाएं और बटन ए दबाने की वजह से जो काउंट नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू वन से इंक्रीमेंट हो जाए तो ये करने के लिए वापस वेरिएबल में एक आ, सिंपल सी कमांड है चेंज काउंट बाय वन पर हम इस कमांड को डालना चाहते हैं जब हम बटन ए दबाएं तो मैं इनपुट में जाके ऑन बटन ए प्रेस कमांड ला रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि जितनी बार बटन ए प्रेस होगा काउंट को एक से बढ़ा देना तो ये प्रोग्राम एज सच चलेगा बट हम इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ कह सकते हैं कि जितनी बार हम ए बटन प्रेस करें हमें कोई फीडबैक मिले कि हमारी जो काउंट है वो रजिस्टर हो गया है तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक एल का वो बना रहा हूँ कि जिससे हमें पता चल जाएगा कि बटन ए दबाने से वाकई में काउंट जो है वो वन से बड़ा है तो इसको अगर हम टेस्ट करें तो जितनी बार मैं बटन ए दबाऊँगा ये प्लस वन प्लस वन है पर ये यहाँ से गायब नहीं हो रहा है तो हम चाहते हैं कि जब हम बटन वन जब हम बटन ए दबाएं तो प्लस वन ये हमारे पास एल ई डीज़ लाइटअप हों पर उसके बाद फिर वो वापस बुझ जाएँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम बटन दबाएँ तो वो फिर से लाइट अप हों और हमें फ़ीडबैक मिले तो इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि ये एल ई डीज़ लाइटअप हों काउंट नाम का वेरिएबल वन से बढ़े और उसके बाद स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाए तो मैं बेसिक में जाके ये क्लियर स्क्रीन स्क्रीन की कमांड ला रहा हूँ अब अगर मैं अपना सिमुलेटर ट्राई करता हूँ तो बटन वन जब मैं दबाता हूँ तो वो मुझे प्लस वन एक सेकेंड के लिए दिखाता है और इस तरीके से मुझे फीडबैक मिल जाता है कि इंडीड माइक्रोबिट ने रजिस्टर कर लिया जब मैंने बटन ए दबाया फाइनली हम चाहते हैं कि जब हम बटन बी दबाएं तो हमें टोटल काउंट पता चल जाए तो इसके लिए मैं इनपुट पे जाके यहाँ से ऑन बटन ए ला रहा हूँ ये ग्रे आउट हो गया क्योंकि क्लैश है तो मैं यहाँ कह रहा हूँ ऑन बटन ऑन बटन बी प्रेस्ड और यहाँ पे हम केवल क्या चाहते हैं कि जो भी उस वक्त काउंट नाम के वेरिएबल की टोटल वैल्यू है वो दिख जाए हमारे को तो हम यहाँ पर बेसिक में जाके कह रहे हैं शो नंबर और हम नंबर क्या देखना चाहते हैं जो भी काउंट नाम के वेरिएबल की उस वक्त टोटल काउंट उसमें जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो देखना चाहते हैं तो अब अगर मैं इसको दोबारा ट्राई कर रहा हूँ तो मैं बटन ए दबाता हूँ तो काउंट वन से बढ़ता जा रहा है तो मैंने चार बार बटन ही दबा दिया पाँच छः सात आठ नौ और फिर मैं जब बटन बी दबाता हूँ तो वो मुझे टोटल काउंट बता देता है कि टोटल काउंट इज़ नाइन और जब मैं अपने माइक्रोबिट को रीसेट कर दूँगा तो ये फिर से शुरू हो जाएगा तो मैं नई काउंटिंग कर सकता हूँ और उसके बाद जब मैं बी दबाता हूँ तो मुझे टोटल काउंट पता चल जाता है तो इस सिंपल से प्रोग्राम से आप अपने माइक्रोबिट को लाइक अ क्लिकर काउंटर यूज़ कर सकते हो